Kingdom Animalia. Class Aves Kingdom Animalia के phylum chordates के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है. कई पुरानी एग्जामिनेशन में, नीट एग्जामिनेशन में Aves के ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं. ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यह है कि एप्स के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बेसिकली वो मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हैं. इसलिए हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के पोर्शन को कवर करते हुए थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा इस टॉपिक में देखेंगे. तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्लास एप्स. एप्स के अंदर आते हैं बर्ड्स, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बर्ड्स होते हैं, भले वो फ्लाइट बर्ड हो या फ्लाइटलेस बर्ड्स हो, ऑल बर्ड्स आर इंक्लूड इन द क्लास एप्स. अब बर्ड्स का ओरिजिन कब हुआ? बर्ड्स का जो ओरिजिन हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है एंड ऑफ द मीसोजोइक इरा. मीसोजोइक इरा के एंड में, मीसोजोइक इरा के एंड में, मोर करेक्टली मीसोजोइक इरा को जो है तीन पेरियड्स में डिवाइड किया गया है, ट्राइसिक, जुरासिक एंड क्रिटिशियस पीरियड. तो एंड ऑफ द जुरासिक पीरियड हमें बर्ड्स का इवोल्यूशन दिखाई देता है. बर्ड्स का इवोल्यूशन एंड ऑफ द जुरासिक पीरियड हुआ और मीसोजोइक इरा के क्रिटिशियस पीरियड में बर्ड्स की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज प्रोड्यूस हुई. मॉडर्न एज को बर्ड्स, मैमल्स और एंजियोस्पर्म का गोल्डन एज माना जाता है. द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी. ऑर्निथोलॉजी जूलॉजी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच है. हमारे इंडिया के एक फेमस स्कॉलर थे जिनका नाम था डॉक्टर सलीम अली. सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है. बर्ड्स के अंडों की जो स्टडी होती है, द स्टडी ऑफ बर्ड्स एग इज नोन एज ओलॉजी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द जूलॉजी. बर्ड्स के जो नेस्ट होते हैं, उनके जो घोंसले होते हैं, उनका जो स्टडी होता है, इसे हम नाइडोलॉजी के नाम से जानते हैं. एक बहुत ही फेमस इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जूलियन हेक्सले. उन्होंने बर्ड्स के रिगार्डिंग बोला था कि बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स. अब बर्ड्स को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स क्यों बोला? क्योंकि बर्ड्स का इवोल्यूशन रेप्टाइल से हुआ है और सुपरफिशियल कैरेक्टर वाले जो रेप्टाइल्स हैं वो एक्चुअली बर्ड्स हैं. अब चूंकि बर्ड्स का इवोल्यूशन रेप्टाइल से हुआ है इसलिए बर्ड्स को उन्होंने ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स बोला. अब बर्ड्स में जो विंग्स के अंदर, बॉडी में जो विंग्स का अरेंजमेंट होता है, उसे हम टेरियोलोसिस के नाम से जानते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे बर्ड्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. बर्ड्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में सबसे पहले तो उसका जो सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है, बर्ड्स का जो यूनिक कैरेक्टर है, वो है उसमें प्रेजेंस ऑफ फैदर्स. फैदर्स स्किन क्या मॉडिफिकेशन होते हैं, फैदर्स एक स्पेसिफिक टाइप के पॉलीमर से बने होते हैं जिसका नाम है बीटा कैरेटीन. बीटा कैरेटीन एक प्रोटीन है जिसके अंदर आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखने को मिलता है. जितने भी बर्ड्स होते हैं उन सब के अंदर बीक प्रेजेंट होती है. बीक में तिथ नहीं होते हैं. बीक इज द मॉडिफिकेशन ऑफ जॉ बोन और मैंडिबल. बर्ड्स में जैसे कि इस डायग्राम से दिख रहा है आपको कि बर्ड्स के जो फोर लिम है वो विंग्स में मॉडिफाइड है और ये अपने हिंड विंग्स का लिम्स का यूज लोकोमोशन के लिए करते हैं. बर्ड्स में स्केल्स देखने को नहीं मिलते हैं जनरली, बट उनके जो लोअर लिम्स हैं या हिंड लिम्स हैं उनमें आपको स्केल्स देखने को मिलते हैं. यह स्केल एपिडर्मल स्केल होते हैं. यू मस्ट रिमेम्बर स्टूडेंट्स कि बर्ड्स में एपिडर्मल स्केल, वो भी केवल हिंड लिम में,
रेप्टाइल्स की पूरी बॉडी के ऊपर एपिडर्मल स्केल देखने को मिलते हैं और पाइसेस में हमें डर्मल स्केल देखने को मिलते हैं। और एक बात और याद रखिए, साइक्लोस्टोमेटा के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर और जनरली मेमिलिया के अंदर स्केल्स अब्सेंट होते हैं। अब हम इसकी स्किन को लेके बात करें तो इसकी स्किन बेसिकली ड्राई होगी, उस पर कोई ग्लैंड देखने को नहीं मिलती, पूरी स्किन जो होती है वो फर से कवर्ड होती है। पर बेस ऑफ द टेल क्लोइका के पास एक हमें ऑयल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड देखने को मिलती है, इसके बारे में भी आगे डिस्कस करूंगा। अब इन बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो बेसिकली बोट शेप बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। जनरली बर्ड्स की जो बॉडी चार पार्ट में डिवाइडेड होती है, हेड, नेक, ट्रंक और टेल। बर्ड्स में नेक स्मॉल भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है और फ्लेक्सिबल होती है। बर्ड्स वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं या फिर होमियोथर्मिक एनिमल होते हैं या एंडोथर्मिक एनिमल होते हैं। इसका मतलब यह होता है कि बर्ड्स की बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यह सराउंडिंग के टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता है। बर्ड्स का टेम्परेचर जनरली 40 डिग्री सेल्सियस या 42 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे इसकी स्किन के और भी कैरेक्टर्स के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि इसकी स्किन ड्राई है, कोई ग्लैंड्स नहीं है, बट टेल के पास ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे कि हमने प्रीन ग्लैंड के नाम से बोला या टेल ग्लैंड के नाम से जाना इसे, या इसे हमने यूरोपाइजियम ग्लैंड के नाम से जाना। अब ये करती क्या है, यह एक वैक्सी ऑयल मिक्स सिक्रीशन सिक्रीट करती है और ये सिक्रीशन फेदर्स को सॉफ्ट बनाकर रखता है, उन्हें वाटरप्रूफ रखता है, उनमें ग्लोइंग क्रिएट करता है। बर्ड्स की डेथ के बाद उनके विंग्स खराब हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आफ्टर द डेथ ऑफ द बर्ड यह ग्लैंड इनएक्टिवेट हो जाती है। बर्ड्स में फोर लिम्ब प्रेजेंट होते हैं बिकॉज बर्ड्स इंक्लूड इन द टेट्रापोडा, बट टू फोर विंग मॉडिफाइड इन टू द विंग्स एंड हिंड लिम यूज फॉर द लोकोमोशन। अब चूंकि बर्ड्स दो लिम्ब से चलते हैं, दो पैरों से चलते हैं, इसलिए इसमें लोकोमोशन जो होगा वो कौन सा होगा, बाइपेडल टाइप लोकोमोशन होगा। ठीक है, फोर विंग्स विंग्स में मॉडिफाइड है इसलिए इनका यूज किसके लिए किया जाएगा, फ्लाइंग के लिए किया जाएगा। बर्ड्स के हिंड लिम में जो डिजिट होते हैं, जो फिंगर्स होती हैं, जो उंगलियां होती हैं, वो जनरली चार होती हैं और इनमें आपको क्लॉब्स देखने को मिलते हैं और इनका यूज बर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। पर्सिंग के लिए होता है, वॉकिंग के लिए होता है, स्विमिंग के लिए होता है, डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपको इसका यूज देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं बर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। बर्ड्स का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने का मतलब है कि इसमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, उसमें माउथ भी प्रेजेंट है, उसमें एनस भी प्रेजेंट है। इफ द एलिमेंट्री कैनाल विद टू ओपनिंग माउथ एंड एनस इज नोन एज द कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। बर्ड्स के अंदर स्टमक अब्सेंट होता है। अब स्टमक अब्सेंट है तो फूड मटेरियल का स्टोर कहां होगा। बर्ड्स में होता यह है कि जो ईसोफेगस होता है उसका जो लोअर रीजन होता है दिस कन्वर्ट इनटू द क्रोप। क्रोप में फूड मटेरियल का स्टोरिंग होता है और क्रोप के ठीक नीचे की साइड में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं गिजार्ड। गिजार्ड जो होता है वो फूड मटेरियल के क्रशिंग का काम करता है, मेस्टिकेशन का काम करता है। पिजन के अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर देखने को मिलता है। स्पेसिफिक कैरेक्टर पिजन में ये है कि पिजन में मेल और फीमेल इनके क्रोप रीजन से एक व्हाइट सब्सटेंस, सेमी सॉलिड सब्सटेंस सिक्रेट होता है। ये देखने में बिल्कुल कोलगेट टूथपेस्ट की तरह दिखाई देता है।
इसे हम पिजन मिल्क के नाम से जानते हैं और पिजन मिल्क का यूज ये एनिमल बर्ड्स अपने बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में करते हैं। बर्ड्स में डाइजेस्ट सिस्टम में गॉल ब्लैडर अब्सेंट होता है, इनमें एनस नहीं होता है, एनस की जगह क्लोइका होता है। क्लोइका किसे कहते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं कि यदि एनस का यूज इलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल के अलावा अदर एक्टिविटी के लिए हो रहा है, जैसे कि एक्सक्रेटरी मटेरियल को भी बाहर निकालने के लिए और रिप्रोडक्टिव कैनाल के फॉर्म में भी इसका यूज हो रहा है, तो इस कंडीशन में इसे हम एनस के जगह क्लोएका के नाम से जानते हैं। बर्ड्स में बीक का प्रेजेंट होना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, हमने पहले इसके बारे में डिस्कस किया। बीक इज द मॉडिफिकेशन ऑफ जॉ, इसमें टीथ नहीं होते हैं, टीथ नहीं होने की जगह के कारण फूड मटेरियल का जो मैस्टिकेशन गिजार्ड में जाकर होता है। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स में स्पॉन्जी लंग्स प्रेजेंट होते हैं, एकदम होलो लंग्स नहीं होते हैं लाइक एम्फीबियंस। इनमें जैसा कि डायग्राम में आप देखेंगे कि लंग से एसोसिएटेड एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। एयर सैक एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, इन्हें बहुत ही फास्ट ब्रीदिंग करना होता है, इनकी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज बहुत ही तेजी से करना होता है क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन की नीड ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की नीड क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि इनकी बॉडी में एट अ टाइम ऑफ फ्लाइट मस्क्यूलर वर्क काफी ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए इफेक्टिव गैसियस एक्सचेंज के लिए अलोंग विद द लंग्स हमें इसमें एयर सैक देखने को मिलते हैं। अब बर्ड्स में साउंड प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर लाइक मैमल, लैरिंग्स नहीं होता है, यहां पर लैरिंग्स जो होगा वो वेस्टिजल होता है, बट ट्रेकिया के नीचे साउंड प्रोड्यूसिंग जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं सैरिंग्स। सैरिंग्स यहां पर साउंड प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है। अब हम बात करेंगे बर्ड्स के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। बर्ड्स में जो हार्ट होता है वो फोर चैम्बर होता है। बर्ड्स में हिपेटिक पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप होता है, बट रीनल पोर्टल सिस्टम यहां पर वेस्टिजियल होता है। अब हार्ट में, लोअर एनिमल के हार्ट्स में, लोअर वर्टिब्रेट्स के हार्ट में आट्रियम के पहले एक एडिशनल चैम्बर होता है, इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ द हार्ट, जिसे कि हम साइनस वेनोसस के नाम से जानते हैं, वो यहां पर अब्सेंट होता है। अब यहां पर राइट एओर्टिक आर्चेस प्रेजेंट होता है, मतलब क्या हो रहा है कि यहां पर हम देखेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा निकल रहा है वो राइट साइड में टर्न हो जाता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, राइट एओर्टिक आर्चेस। जबकि हम मैमल्स में क्या देखते हैं कि लेफ्ट एओर्टिक आर्चेस प्रेजेंट होता है, मतलब कि जो एओर्टा होता है वो लेफ्ट साइड में टर्न हो जाता है। इनमें आरबीसी न्यूक्लिएटेड होते हैं, स्मॉल होते हैं, ओवल होते हैं, बट आरबीसी का नंबर एज कम्पेयर टू अदर एनिमल इनमें ज्यादा होता है, क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ज्यादा करना है, इसलिए आरबीसी का जो नंबर है वो काफी ज्यादा होगा। बर्ड्स में बोन जो होती हैं वो स्पॉन्जी होती हैं। बोन इज अ पार्ट ऑफ द एंडोस्केलेटल सिस्टम, तो यहां पे बोन्स कैसी होंगी, हॉलो होंगी, उनमें एयर प्रेजेंट होती है। अब होलो बोन को जो है हम न्यूमेटिक बोन्स के नाम से जानते हैं, इट्स ऑल्सो द यूनिक कैरेक्टर ऑफ बर्ड्स। होलो बोन होने की वजह से क्या होता है कि बर्ड्स का बॉडी लाइट हो जाता है, इट्स अ टाइप ऑफ फ्लाइट एडॉप्टेशन। अब हम बात करेंगे बर्ड्स के स्किल के बारे में। बर्ड्स और रेप्टिलिया, इनके अंदर क्या होता है कि एक ओसिपेटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होता है स्कल में, और स्कल में यदि एक ओसिपेटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होगा तो इस तरह के स्कल को हम मोनोकॉन्डाइलिक स्कल के नाम से जानते हैं। अब बर्ड्स के वर्टिब्रा को लेकर बात करें तो बर्ड्स के वर्टिब्रा में हम क्या देखते हैं कि यहां पर जो सेंट्रम होता है वो सैडल शेप होता है, इसलिए इसके वर्टिब्रा कैसे हो गए, हेट्रोसेलस टाइप के हो गए।
हालांकि ये पॉइंट मुझे नहीं लगता कि नीट के लिए कोई महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके कॉडल वर्टिब्रा के बारे में। इसमें कॉडल वर्टिब्रा जो है, लास्ट के जो फोर कॉडल वर्टिब्रा आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर पाइगो स्टाइल करके एक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई देगा। अब फ्लाइट एडॉप्टेशन के लिए बर्ड्स में क्या होता है कि स्टर्नम जो होता है काफी लार्ज होता है। स्टर्नम इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेस्ट बोन, ये काफी बड़ी होती है। इसका जो बेसल पोर्शन होता है वो काफी सोलन होता है और इसे हम कील के नाम से जानते हैं। इसके सोलन होने से फायदा क्या है, इसमें फ्लाइट मसल्स अटैच होंगी और फ्लाइट मसल्स का बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। बर्ड्स की सबसे स्ट्रांगेस्ट मसल फ्लाइट मसल होती है। कील जो होता है यह जो फ्लाइंग बर्ड्स होंगे उसमें हाईली डेवलप होता है और जो फ्लाइट बर्ड्स होते हैं उसमें डेवलप नहीं होता है। इसके अलावा इसमें एक और यूनिक कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा बर्ड्स में कि इनके जो क्लेविकल्स होते हैं दोनों साइड के, ये आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं। दोनों क्लेविकल बोन्स स्टर्नम के पास आकर थोड़े से नीचे की साइड बेंड हो जाते हैं और एक वी शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है इसे हम फर्कुला के नाम से जानते हैं या विश बोन के नाम से जानते हैं। इसे हम मेरी के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है फर्कुला, यह उड़ने में हेल्प करता है। तो जो फ्लाइट बर्ड होंगे उनमें फर्कुला काफी डेवलप होगा और जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होंगे उसमें फर्कुला कम डेवलप होगा। आप डायग्राम में देखिए, आपको बर्ड्स के अंदर उसके दोनों स्टर्नम आपस में अटैच होकर वी शेप स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं ना, यही है हमारा फर्कुला। अब इसके बाद हम इसकी किडनी को लेकर डिस्कस करें एक्सक्रीटरी सिस्टम में। इसकी किडनी कैसी है, मेटानेफ्रिक है। अब यहां पर जो यूरेटर्स होते हैं वो सीधे क्लोइका में जाके ओपन होते हैं। अब एक्चुअली बर्ड्स कैसे होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं, मतलब ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रहे हैं। यूरिक एसिड नॉट सॉल्युबल इन द वाटर, यह एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है, इसलिए इनमें यूरिनरी ब्लडर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बर्ड्स में यूरिनरी ब्लडर अब्सेंट होता है। जो मरीन बर्ड्स होते हैं उनमें जो फीकल मैटर है, अब फीकल मैटर में क्या होगा कि अनडाइजेस्टेड फूड भी होगा और एक्सक्रीटिंग प्रोडक्ट यूरिक एसिड भी होगा। तो इसका जो मिक्स फॉर्म है जो फीकल मैटर हमारे जो मरीन बर्ड्स का है, इसे हम ग्वेनो के नाम से जानते हैं। इस पे कई पुरानी एग्जामिनेशन में जैसे कि सीपीएमटी और अदर स्टेट एग्जामिनेशन जो पहले कंडक्ट होती थी उन पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रेन बर्ड्स में हाईली डेवलप होता है, ब्रेन का स्पेशली सेरिबेलम वाला पोर्शन जो कि बैलेंसिंग का काम करता है बर्ड्स में बहुत ज्यादा डेवलप होता है, क्योंकि बर्ड्स को एरियल लाइफ सर्वाइव करनी है। सेरिबेलम अनडेवलप होगा तो उनका बैलेंस मेंटेन नहीं होगा। कई बार देखा है आपने कि ड्रिंक किए हुए पर्सन जो होते हैं वो चलने में थोड़े से आपने उनके कदम बैठते हुए देखे होंगे, इसका कारण यही होता है कि ड्रंक करने की वजह से, एल्कोहल की वजह से जो सेरिबेलम वाला जो पोर्शन है वो अफेक्टेड होता है, तो उसकी वजह से उनका बॉडी बैलेंस जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्रेनियल लॉब्स के नंबर को लेकर बात करें तो यहाँ पे क्रेनियल लॉब्स का जो नंबर होगा वो होगा 12 पेयर। मेमल्स में भी 12 पेयर होती हैं क्रेनियल लॉब्स। आई इसमें जो होंगी काफी डेवलप होती हैं। इनमें निक्टेटिंग मेम्ब्रेन पूरी आई के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या करती है, डस्ट से और तेज जो एयर होती है उससे एनिमल को प्रोटेक्ट करती है। अब बर्ड्स के आई का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि इसके अंदर एक कॉम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कि पेक्टिन के नाम से जानते हैं। कीवी की आई को यदि हम छोड़ दें तो बाकी लगभग लगभग सभी बर्ड्स में ये पेक्टिन प्रेजेंट होता है। पेक्टिन क्या काम करता है, पेक्टिन एक तो एकोमोडेशन ऑफ आई में हेल्प करता है, इसके अलावा यह आई के अंदर के प्रेशर को भी मेंटेन करता है और आई बॉल को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। बर्ड्स का जो विजन होता है वो एक्यूट और
टेलीस्कोपिक टाइप का होता है। टेलीस्कोपिक विजन मतलब कि बर्ड्स की आई ऐसी होती है कि दूर की चीजों को बड़े आराम से देख सकते हैं। और यह विजन जो होता है यह पेक्टिन की वजह से डेवलप होता है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि आई के अंदर एक कॉम लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? पेक्टिन। और डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स की आई यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी। बर्ड्स में ऑल्फेक्टरी ऑर्गन्स ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं, मतलब इनकी जो पावर ऑफ स्मेल है वो काफी कम होती है। बर्ड्स मोनोडेल्फिक होते हैं, मतलब कि उनमें केवल लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट ओविडक्ट फंक्शनल होती है। फीमेल्स में राइट ओवरी और राइट ओविडक्ट वेस्टिजियल देखने को मिलती है। इसका रीजन क्या है? मोस्ट ऑफ स्कॉलर ये मानते हैं कि ऐसा बॉडी वेट को कम करने के लिए होता है। बर्ड्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल फीमेल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यहाँ देखने को मिलती है। फीमेल के कंपेयर में मेल ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन अब्सेंट होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। बर्ड्स सभी अंडे देते हैं, मतलब ओविपेरस होते हैं। इनके अंडे बड़े होते हैं, मेगालेसिथल होते हैं। मेगालेसिथल का मतलब है कि योक अच्छी खासी अमाउंट में प्रेजेंट होता है। बर्ड्स के अंडे टीलोलिसिथल होते हैं, मतलब कि योक पूरे एग में यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता है, एक साइड में प्रेजेंट होता है। कैल्यूडिक एग होते हैं, मतलब एग के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होता है। हम सभी जानते हैं कि बर्ड्स के जो अंडे होते हैं इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का परफोरेटेड शेल प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बर्ड्स में डायरेक्ट देखने को मिलता है। ये एमनियोटा के अंदर आते हैं, मतलब कि इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। पेरेंटल केयर इसमें प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे बर्ड्स के फ्लाइट एडॉप्टेशन के बारे में। बर्ड्स के फ्लाइट एडॉप्टेशन को लेकर बात करें तो उसको बर्ड्स में दो तरह के एडॉप्टेशन देखने को मिलते हैं फ्लाइट के लिए, एक तो मार्फोलॉजिकल दूसरे एनाटॉमिकल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन के बारे में। बर्ड्स की बॉडी जो होती है वो स्पिंडल शेप या स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जिससे कि एयर का फ्रैक्शन कम होता है। बॉडी इनकी कॉम्पैक्ट होती है, स्ट्रांग होती है, लाइट वेटेड होती है। पूरी बॉडी फेदर से कवर्ड होती है, जो कि टेम्परेचर से सराउंडिंग के जो इफेक्ट होते हैं उससे बर्ड की बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, और बर्ड्स की बॉडी के अंदर बायोन्सी डेवलप करती है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि इनके फोर लिम जो है विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं, जिससे कि उड़ सकें। विंग्स जो होते हैं उड़ने में हेल्प करते हैं। इनकी नेक होती है वो मोबाइल होती है, घुमा सकते हैं आराम से दोनों साइड में। इनका हेड जो होता है वो मोबाइल होता है। बाइपेडल लोकोमोशन है, बिकॉज इनके फोर लिम जो है विंग्स में मॉडिफाइड हो गए, तो अब जो हिंड लिम बचे चलने के लिए इसलिए इनमें लोकोमोशन बाइपेडल टाइप का होता है। इनमें पर्सिंग मैकेनिज्म होती है, मतलब ये अपने हिंड लिम से बड़ी आसानी से पेड़ों की ब्रांच पर बैठ सकते हैं। इनमें टेल बहुत छोटी होती है, और टेल का यूज एट द टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्शन को मेंटेन करने का होता है। एनाटोमिकल एडॉप्टेशन के बारे में बात करें तो इनमें फ्लाइट मसल्स बहुत ही ज्यादा डेवलप होती हैं। इनमें एंडोस्केलेटल में बायो जो है होलो बोन्स या न्यूमेटिक बोन्स देखने को मिलती हैं। बीक प्रेजेंट होती है, टीथ एब्सेंट होते हैं। डाइजेस्ट सिस्टम में हम देखेंगे कि इसमें गिजार्ड प्रेजेंट होता है, इसमें क्रॉप प्रेजेंट होता है, स्टमक एब्सेंट होता है ताकि बॉडी वेट कम हो, गॉलब्लैडर एब्सेंट होता है ताकि बॉडी वेट कम हो। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देखते हैं कि अलोंग विद द लंग्स इसमें एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ आरबीसी ज्यादा होते हैं, हार्ट बीट ज्यादा होती है। उसके बाद इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम देखते हैं कि वाटर की रिक्वायरमेंट एक्सक्रीशन के लिए कम हो, वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो बॉडी वेट बढ़ेगा, इसलिए यूरिक एसिड को सिक्रीट करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, डाइजेशन काफी फास्ट होता है। अब बर्ड्स के क्लासिफिकेशन को लेकर बात करें, इस पे जनरली क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। बर्ड्स को बेसिकली दो क्लास में क्लासिफाइड किया जाता है, एक तो
आर्कियोर्निथिस और नियो ऑर्निथिस। नियो ऑर्निथिस में अपने को इतना याद रखना है कि इसमें पेलियोग्नेथी जो बर्ड्स होते हैं ये फ्लाइटलेट्स बर्ड्स हैं, और नियोग्नेथी बर्ड्स जो हैं वो फ्लाइट बर्ड हैं। आर्कियोर्निथिस जो होते हैं इसमें फॉसिल बर्ड्स आते हैं, जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स जो कि आजकल एक्सटिंक्ट हो गए। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एग्जांपल ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के एग्जांपल में आएगा क्रो, कॉर्वस, कॉमन नेम क्रो, उसके बाद कोलंबिया, कोलंबा मतलब पिजन, कॉमन जो इंडियन पिजन होता है वो ब्लू रॉक पिजन होता है, इसमें क्रॉप ग्लैंड्स जो होती हैं क्रॉप मिल्क सिक्रीट करती है मेल फीमेल दोनों के अंदर। सिटाकुला मतलब पैरोट, पैरोट फ्रूगिवरस होता है, इसमें अपर जॉ जो होता है मूवेबल होता है, लोअर जॉ अनमूवेबल होता है। स्टूथियो मतलब ऑस्ट्रिच, ये लार्जेस्ट बर्ड होते हैं और ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं। सहारा डेजर्ट में इनका यूज सवारी के लिए और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है। पेवो मतलब पिकॉक, ये हमारे भारत का नेशनल बर्ड्स है, इसकी दो वेराइटियां भारत में देखने को मिलती है, एक कलर वेराइटी दूसरी व्हाइट वेराइटी। गलस मतलब की फाउल, एप्टेनोडाइटिस मतलब पेंगुइन, ये साउथ पोल पे देखने को मिलते हैं, इनमें फोर लिम्स पैडल्स में मॉडिफाइड हो गए जिनका यूज, या फ्लिपर में मॉडिफाइड हो गए जिनका यूज ये स्विमिंग के लिए करते हैं। नियोफ्रॉन मतलब वल्चर, इसे स्केवेंजर ऑफ नेचर के नाम से जानते हैं, ये रोटन फ्लैश को फीड करने का काम करता है। आपने हमारा वीडियो देखा, आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय हमारे वीडियो के लिए दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। इससे रिलेटेड डीपीपी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। आपको बर्ड्स के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे नोट्स, मेरे नोट्स और मेरी जो बुक्स जो मैंने नीट एग्जामिनेशन के लिए लिखी हुई हैं आप उसे रीड कर सकते हैं। थैंक यू।